अभ्यास 6 है। आज हम इस अभ्यास के प्रश्नों को हल करेंगे। पहला प्रश्न हमसे कह रहा है, निम्नांकित कथनों में कोष्टकों का प्रयोग कीजिए। मतलब हमें ब्रैकेट लगाना है ना, कोष्टक। बोला 3x तथा 4z के योग में, यानी 3x प्लस 4z, ये हो गया। 3x तथा 4z के योग में से 5y घटाइए। इन दोनों का योग मिस क्या करना है हमें, 5y घटाना है, तो जाएगा माइनस का 5y। यदि इसको हम हल कर लेंगे तो आ जाएगा 3x प्लस 4z माइनस का 5y। अब दूसरा कह रहा हमसे, सेकेंड इसका, 4pq में 7r को जोड़िए। जोड़ देते हैं 4pq प्लस 7r तथा प्राप्त मान का आधा कीजिए। ये प्राप्त मान है उसका आधा करना है, यानी बटे में 2 का भाग कर देना है, या 1/2 का गुणा कर सकते हैं, या तो इस तरह लिख लीजिए, या फिर इसको लिख सकते हैं 1/2 4pq प्लस 7r। फिर बोला तीसरा, 3xy तथा 7yz के योग के, इन दोनों का योग करना है, तो ये हो जाएगा 3xy प्लस 7yz के योग के तिहाई। अब तिहाई का मतलब इसमें 3 का भाग कर देंगे, बटे में 3 चला जाएगा, में 3z² y जोड़िए। में 3z² y हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया। क्वेश्चन दूसरा है, प्रत्येक प्रश्न के 4 उत्तर दिए गए हैं, सही उत्तर को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। जैसे पहला पार्ट इसका 5x प्लस ये ब्रैकेट है 2x माइनस 3, तो ये ब्रैकेट हटेगा तो कितना हो जाएगा, प्लस 2x निकलेगा, तो हो जाएगा 5x प्लस 2x माइनस 3। तो 5 में 2 ऐड किया, जोड़ा तो 5, तो 7x माइनस का 3। तो इसमें कहां दिया 7x माइनस 3, ये, तो इसका जो डी ऑप्शन है वो हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फिर सेकेंड है ए, फिर माइनस, फिर ब्रैकेट लगा बी माइनस 2 है। तो हम जानते हैं यदि किसी ब्रैकेट के आगे माइनस चिन्ह लग जाए तो ब्रैकेट के अंदर जो भी पद होते हैं उसके सभी के चिन्ह क्या होते हैं, बदल जाते हैं, साइन चेंज हो जाते हैं। तो ए, अब इस ब्रैकेट को हटाएंगे, ये कोई निशान नहीं, इसको प्लस मानेंगे तो प्लस का माइनस हो जाएगा, ये माइनस बी हो गया, ये माइनस का 2a है तो ये प्लस का 2a हो जाएगा। अब क्या होगा, 2a प्लस a, ये हो जाएगा 3a माइनस का b। तो 3a माइनस b ये भी ऑप्शन दिया है, और 3a माइनस b ये भी है, तो हमारे दोनों सही हो जाएंगे, a ऑप्शन भी सही है और d ऑप्शन, तो इसका a ऑप्शन भी सही है और d ऑप्शन भी सही है। फिर थर्ड बोला a प्लस b प्लस c माइनस a प्लस b माइनस c, तो अब फिर वही करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी, ब्रैकेट कहेंगे माइनस चिन्ह लगा, अंदर के साइन या चिन्हों को परिवर्तित कर देंगे, ये हो जाएगा माइनस ए प्लस बी माइनस बी हो जाएगा, माइनस सी प्लस सी हो जाएगा। अब प्लस ए और ये माइनस ए, ये घट जाएंगे हमारा, प्लस बी और माइनस बी ये भी हमारा घट जाएगा, प्लस सी और प्लस सी ये दो बार है तो कितना हो जाएगा, 2c हो जाएगा। तो यहां पर ये जो सेकंड ऑप्शन है बी, ये सही हो जाएगा। फिर फोर्थ पार्ट है माइनस 2x² फिर माइनस, फिर ब्रैकेट है, तो इस ब्रैकेट के अंदर के चिन्ह को चेंज कर देंगे, तो हो जाएगा माइनस का 2x², ये माइनस x² तो हो जाएगा प्लस x², ये प्लस का 4x है तो हो जाएगा माइनस का 4x। अब ये माइनस 2x² प्लस x² चिन्ह विपरीत है तो घट जाएंगे, तो माइनस का बड़ा तो माइनस में आंसर आ जाएगा, हो जाएगा माइनस का x² और माइनस का 4x। तो इसका ये जो ए ऑप्शन है वो हमारा क्या सही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन तीसरा, निम्नांकित को सरल कीजिए। तो इनको सरल करना है, इसी तरह के हमने पूर्णांकों पर आधारित सवालों को अभ्यास 3F में सॉल्व किया था, जिसमें हमने बॉडमस फार्मूले का प्रयोग किया था। तो इससे संबंधित सवालों को आप वीडियो की लिंक दी जा रही है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसमें आप देख सकते हैं। तो इस तरह के सवालों में हमें कोष्टक दिए गए, तो सबसे पहले हम
रेखा कोष्टक कटाते हैं, फिर छोटा कोष्टक कटाया जाता है, फिर मझले कोष्टक कटाया जाता है, अंत में सबसे बाद में बड़े कोष्टक को हम हटाते हैं। तो हमें ध्यान रखना है ना, कोष्टक खोलते समय यदि कोष्टक के बाहर प्लस चिन्ह है तो कोष्टक के भीतर जो सभी पद वो उसी तरह रहते हैं, लेकिन यदि कोष्टक के बाहर माइनस चिन्ह लग जाए तो अंदर के जितने भी चिन्ह है वो सब क्या होते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि सबसे पहले हम अंदर के जो ब्रैकेट दिए बहुत सारे, तो सबसे पहले रेखा कोष्टक हटाएंगे ब्रैकेटों में, फिर छोटा कोष्टक हटाएंगे, उसके बाद मझला कोष्टक हटाया जाएगा और सबसे बाद में बड़ा कोष्टक हटाया जाएगा। तो आइए हम इन सवालों को हल करते हैं। तो ये पहला पार्ट, इसको हमें सरल करना है। तो यहां ब्रैकेट है, प्लस निशान लगाया, यानी किसी प्रकार कोई चिन्ह परिवर्तित नहीं होगा, हम प्रत्येक पद को इसी तरह उतार देते हैं, यानी ए स्क्वायर प्लस 8ab प्लस 5 प्लस 3ab माइनस 4a स्क्वायर प्लस 8। अब क्या करेंगे, जो सजातीय पद है उनको एक साथ कर लेंगे, यानी लाइक टर्म को क्या कर लेंगे, एक साथ कर लेंगे। तो ये ए स्क्वायर और ये माइनस 4a स्क्वायर प्लस 8ab और ये प्लस का 3ab प्लस का 5 और ये प्लस का 8। ए स्क्वायर माइनस 4 ए स्क्वायर तो हो जाएगा माइनस का 3 ए स्क्वायर, 8ab और प्लस 3ab, 8 और 3 11 हो जाएगा ab, 5 प्लस 8 ये हो जाएगा 13, यही हमारा आंसर निकल आएगा। अब हमें इस वाले व्यंजक को सरल करना है, तो यहां पर इस ब्रैकेट के आगे माइनस चिन्ह लग गया, यानी कि अंदर के जितने भी चिन्ह है वो सब क्या परिवर्तित हो जाएंगे। तो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये प्लस एक्स माइनस एक्स हो जाएगा, ये माइनस वाई प्लस वाई हो जाएगा, ये प्लस जेड माइनस जेड हो जाएगा। अब सजाती पद को एक साथ कर लेते लाइक टर्म्स को, ये एक्स, ये माइनस का एक्स प्लस का वाई, ये प्लस का वाई प्लस का जेड और ये माइनस का जेड, प्लस एक्स माइनस घट जाएगा, प्लस वाई प्लस वाई प्लस का 2y हो जाएगा, प्लस जेड माइनस जेड ये भी घट जाएगा, तो आंसर निकल आएगा हमारा 2y। अब इस वाले व्यंजक को हमको सरल करना है। अब इसमें दो कोष्टक है, एक छोटा वाला कोष्टक दिया, एक मझला कोष्टक दिया। तो हमने पहले चर्चा की थी कि सबसे पहले हम छोटे वाले कोष्टक कॉल करेंगे, उसके बाद मझले कोष्टक कॉल करेंगे। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर। अब ये छोटा वाला कोष्टक, यहां कोष्टक के आगे प्लस चिन्ह लगा, यानी अंदर के चिन्हों में कोई परिवर्तन नहीं होना है। अंदर के चिन्हों में तभी परिवर्तन होता है जब कोष्टक के आगे यानी ब्रैकेट के आगे माइनस चिन्ह लगा होता है। तो हम इसको इसी तरह उतार देते हैं, तो प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर, छोटा कोष्टक हट गया, अभी मझला कोष्टक बचा हमारा। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, दो और एक तीन, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर। अब ये वाले ब्रैकेट क्या है, प्लस चिन्ह लगे, इसको इसी तरह उतार लेंगे, तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर। x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर, तीन में एक जोड़ा हो गया, 4x स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर, यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस वाले व्यंजक को जब हम सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले हम छोटे वाले कोष्टक को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो हो जाएगा 2p माइनस 3q प्लस 5p और 2p, ये लाइक टर्म से इनको एक साथ कर लेंगे, तो 5p में 2p जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7p माइनस का q, तो हो जाएगा 2p माइनस 3q। अब ये अलग अलग टर्म से, तो ये छोटा वाला कोष्टक हटा देते हैं, आगे प्लस चिन्ह है तो यानी पद को इसी तरह उतार लेंगे, तो हो जाएगा 7p माइनस का q, ये छोटा वाला कोष्टक हमारा हट गया, तो हो जाएगा 2p माइनस, ये 3q है ये माइनस का q है, 3q में q जाएगा तो आएगा 2q प्लस का 7p। अब क्या है,
इस मजले कोष टाइम माइनस चिन्ह लग गया, यानी अंदर के जो चिन्ह है वो परिवर्तित हो जाएंगे, तो हो जाएगा 2p, ये प्लस का 2q तो हो जाएगा माइनस का 2q, ये प्लस का है तो माइनस का 7p हो जाएगा, 2p प्लस का है माइनस का 7p, एक साथ कर लेते हैं 2p माइनस 7p माइनस का 2q, 2p माइनस 7p माइनस का बड़ा आंसर माइनस में आएगा इन दोनों में जब सॉल्व करेंगे, तो 7 में 2 गए 5 तो माइनस का 5p हो जाएगा और माइनस का 2q हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम इसको सरल करना है, पांचवा पार्ट है हमारा ये, तो यहां पर छोटा कोष्टक भी है, स्मॉल वाला है, कर्ली ब्रैकेट भी है और बिग ब्रैकेट भी है, बड़ा कोष्टक भी है। तो सबसे पहले इस छोटे वाले कोष्टक को हम सॉल्व करते हैं, तो बाकी पद को इसी तरह उतार लेते हैं, 5xy प्लस 3z माइनस 2x। अब इस ब्रैकेट के आगे माइनस लगा तो अंदर के साइन चेंज कर देंगे, तो हो जाएगा प्लस 2z है तो हो जाएगा माइनस का 2z माइनस माइनस प्लस 3y। छोटा कोष्टक हट गया, मजला और बड़ा कोष्टक बचा, 5xy प्लस 3z माइनस, अब ये 2x माइनस 2z प्लस 3 सब अलग अलग पद है तो कोई जुड़ या घट नहीं रहा, तो हम ये मजले वाले कोष्टक को हटा देते हैं तो अंदर के जितने भी चिन्ह परिवर्तित हो जाएंगे, तो ये प्लस 2x है तो माइनस का 2x हो गया, ये माइनस 2z है तो प्लस का 2z हो गया, ये प्लस का 3y है तो माइनस का 3y हो जाएगा और हमने मजला कोष्टक हट गया, तो 5xy प्लस ये 3z है और यहां पर 2z है, 3 में 2z ऐड करेंगे तो हो जाएगा 5z माइनस 2x माइनस का 3y 5xy। अब इस वाले कोष्टक को हटाना है, ये प्लस चिन्ह है तो अंदर के चिन्ह सब इसी तरह रहेंगे, तो हो जाएगा प्लस का 5z माइनस का 2x माइनस का 3y। सब अलग अलग टर्म्स हैं तो हम एक क्रम से लिख देते हैं, 5xy माइनस का 2x माइनस का 3y प्लस का 5z, यही हमारा आंसर हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन में छठवां पार्ट है इसका, 2x² yz माइनस, फिर बड़ा कोष्टक है 3x², इसको हमें सॉल्व करना, तो यहां पर रेखा कोष्टक दिया गया, छोटा कोष्टक है, मजला कोष्टक है, फिर बड़ा कोष्टक है, तो सबसे पहले हम रेखा कोष्टक को सॉल्व करेंगे, फिर छोटा, फिर मजला और फिर सब बाद में सबसे बड़ा, तो बाकी सब कुछ इसी तरह उतार लेते हैं, 2x² yz माइनस 3x² माइनस 2y माइनस x² yz। अब ये कोष्टक y² प्लस x² दिया गया हमको, इसके आगे इसको जब हटाएंगे तो आगे माइनस चिन्ह लगा तो अंदर के चिन्ह क्या हो जाएंगे, परिवर्तित हो जाएंगे, तो ये प्लस का y² है तो माइनस का y² हो जाएगा, प्लस का x² तो माइनस का x² हो जाएगा, और ये हमारा रेखा कोष्टक क्या हो गया, हट गया, तो 2x² yz माइनस 3x² माइनस 2y। अब ये सब विजाती पद अलग अलग टर्म्स, लाइक टर्म्स नहीं है, तो ये वाला कोष्टक हटाते हैं तो अंदर के जो चिन्ह होंगे वो क्या हो जाएंगे, परिवर्तित हो जाएंगे, तो माइनस का x² yz ये हो जाएगा प्लस का y² ये हो जाएगा प्लस का x² 2x² yz माइनस 3x². अब यहां पर ये 2y है, x² yz y², ये भी सब अलग अलग टर्म्स है, कोई जोड़ या घट नहीं रहा, तो ये वाला कोष्टक भी हम हटा देते हैं, अंदर के जितने भी चिन्ह परिवर्तित हो जाएंगे क्योंकि कोष्टक के बाहर माइनस चिन्ह लगा हुआ है, तो प्लस 2y ये माइनस 2y हो जाएगा, ये प्लस का x² yz हो जाएगा, ये माइनस का y² हो जाएगा, ये माइनस का x² हो जाएगा, 2x² yz माइनस। अब यहां पे हम देख रहे हैं 3x² है और यह माइनस x² है, तो 3x² में माइनस x² जाएगा तो आ जाएगा हमारा 2x² माइनस का 2y
प्लस का एक्स स्क्वायर वाई जेड माइनस का वाई स्क्वायर, टू एक्स स्क्वायर वाई जेड। अब ये सब अलग अलग टर्म्स हैं, कोई जुड़िया घट नहीं रहा है, तो इस ब्रैकेट को हटा देंगे, अंदर के साइन फिर बदल जाएंगे क्योंकि कोष्टक के आगे माइनस चिन्ह लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा माइनस का टू एक्स स्क्वायर प्लस का टू वाई हो जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर वाई जेड हो जाएगा और प्लस का वाई स्क्वायर हो जाएगा। हम यहां पर देख पा रहे हैं कि ये टू एक्स स्क्वायर वाई जेड है और ये माइनस का एक्स स्क्वायर वाई जेड है, तो एक्स स्क्वायर वाई जेड दो में से एक जाएगा तो एक बचेगा, तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर वाई जेड माइनस का टू एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर और प्लस का टू वाई, यही हमारा आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन जो हमको सॉल्व करना है, इसमें हमें छोटा कोष्टक दिया है, मझला कोष्टक दिया है और बड़ा कोष्टक दिया है, तो सबसे पहले हम ये छोटे वाले कोष्टक को सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा a माइनस, सीधे उतार देंगे इसको, हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस का फाइव बी माइनस का टू, फिर हो जाएगा टू ए स्क्वायर, इस कोष्टक के आगे माइनस चिन्ह लगा तो अंदर के चिन्हों के परिवर्तित कर देंगे, तो ये प्लस का थ्री सी है तो माइनस का थ्री सी हो जाएगा, ये माइनस का टू बी है तो प्लस का टू बी हो जाएगा, ये छोटा कोष्टक हमने क्या कर दिया, हटा दिया। अब ये हो जाएगा ए माइनस, हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस का फाइव बी। अब ये सब अलग अलग टर्म्स हैं, कोई जोड़ या घट नहीं रहा है, तो अब ये मझले कोष्टक हटा देते हैं, तो माइनस दो का अंदर गुणा कर देंगे, है ना, तो माइनस से जब गुणा करेंगे तो अंदर चिन्ह क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे, तो माइनस दो दूनी चार, टू टू जा फोर, माइनस का फोर ए स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, टू थ्री जा सिक्स सी हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा टू टू जा फोर बी, तो जाएगा ए माइनस, सजातीय टर्म को एक साथ कर ले, ए स्क्वायर माइनस फोर ए स्क्वायर हो जाएगा माइनस फाइव बी, ये माइनस का फोर बी है और ये प्लस का सिक्स सी, तो जाएगा ए माइनस ए स्क्वायर माइनस फोर स्क्वायर, एक में से माइनस चार जाए, एक माइनस चार के तो माइनस तीन हो गया, यानी हो जाएगा माइनस थ्री ए स्क्वायर, माइनस फाइव बी माइनस फोर बी दोनों जुड़ जाएंगे, माइनस में जुड़ेंगे लेकिन माइनस पांच माइनस चार माइनस का नौ माइनस का नाइन बी और प्लस का सिक्स सी। अब ब्रैकेट का माइनस अंदर चिन्ह परिवर्तित कर देंगे हम, तो हो जाएगा ए माइनस का प्लस हो जाएगा थ्री ए स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस का नाइन बी हो जाएगा, ये माइनस का सिक्स सी हो जाएगा, और यदि क्रम से लिखना चाहें तो पहले लिख लिया थ्री ए स्क्वायर, फिर प्लस का ए प्लस का नाइन बी माइनस का सिक्स सी, यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन चौथा है, निम्नांकित व्यंजकों में अंतिम दो पदों को कोष्टक में लिखकर पहले ऋण चिन्ह इस प्रकार लगाइए कि व्यंजक का मान ना बदले, यानी अंतिम जो दो पद दिए गए हैं इसमें कोष्टक लगाना है और कोष्टक में लिखकर पहले ऋण चिन्ह लगाना है, तो इसके पहले ऋण चिन्ह है, जब ऋण चिन्ह लगाते हैं तो अंदर के निशान परिवर्तित हो जाते, चिन्ह चेंज हो जाते हैं, यानी जब कोष्टक लगाएंगे तो कोष्टक के अंदर जब ये जाएगा तो ये माइनस क्यू स्क्वायर होना चाहिए और इसको प्लस ए स्क्वायर होना चाहिए, क्यों, क्योंकि माइनस चिन्ह जब हटाएंगे तो अंदर के निशान चेंज हो जाएंगे, यानी इस वाले व्यंजक में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, तो लगा के देखते हैं, ये माइनस पी हो गया, प्लस का आर हो गया, प्लस का एक्स स्क्वायर हो गया, अब यहां पर कोष्टक लगाना है तो हम क्या कर देंगे, माइनस क्यू स्क्वायर और प्लस का ए स्क्वायर लिखा, अब हमने कोष्टक लगा दिया, अब आगे माइनस चिन्ह ले दिया, तो माइनस चिन्ह लेंगे तो क्या होगा, अंदर निशान परिवर्तन, माइनस माइनस प्लस क्यू स्क्वायर हो जाएगा और प्लस का माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, इसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ा, यही बोल रहा है कि दो पदों में, कौन से, अंतिम दो पदों को कोष्टक में लिखकर पहले ऋण चिन्ह लगाना है ताकि व्यंजक का मान ना बदले। अब जैसे यहां पर हमको दिया गया a प्लस बी प्लस सी माइनस ए बी, अब अंतिम दो पद ये दिए गए, तो जब ये ब्रैकेट कहेंगे माइनस चिन्ह लगाते अंदर के निशान बदल जाने चाहिए, तो हमने क्या किया, इनके निशानों को परिवर्तित कर दिया, ये बी सी हो गया और ये प्लस सी ए हो गया,
जब कोष्टक हटाएंगे तो ये माइनस बी सी हो जाएगा, ये माइनस का सी हो जाएगा। इसी तरह आपको करना क्या है कि यहां पर जो चिन्ह दिए गए लास्ट में उनको परिवर्तित कर दीजिए, ब्रैकेट लगा दिए, आगे माइनस लगा दीजिए, तो हो जाएगा 3xy माइनस का 5pq प्लस का 3y स्क्वायर। हमने किया माइनस 4x था तो प्लस का 4x कर दिया, प्लस 7 था माइनस 7 कर दिया, ये ब्रैकेट लगाया और उसके आगे माइनस चिन्ह कर दिया।